अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मारविया मलिक, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर। और मेरे साथ आज मौजूद हैं सानिया मिर्जा, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। अभी हम दोनों सो के उठे हैं और अभी हमने टीवी ऑन करके न्यूज चैनल पे सब कुछ देखा और तमाम अपडेट्स हमने देखे। और जैसे कि सब देखने वालों को मालूम है कि भारत ने जिस तरह का ओछा हथकंडा आजमाया था और रात की तारीकी में पाकिस्तान पर वार करके समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा बन चुका हूँ, लेकिन सुबह होते ही पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की फौज ने पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि अगर भारत रात की तारीकी में पाकिस्तान पर वार करके बहुत बड़ा बन सकता है तो पाकिस्तान दिन की रोशनी में जवाबी वार कर सकता है और पूरी दुनिया को बता सकता है कि पाकिस्तान गलत नहीं है, दहशतगर्द भारत है और पाकिस्तान हर दफ़ा अमन का पैगाम देता है। और नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए एक छोटा सा मशवरा है, पाकिस्तान का एक ख्वाजा सरा और आपकी मुल्क की 1,00,000 फौज, ठीक है, आपकी 1,00,000 फौज और हमारा एक ख्वाजा सरा, आप लोगों पे भारी है। रात की तारीकी में वार करने से बेहतर है कि घुंघरू पहन कर बॉर्डर पे नाच लिया जाए। हम आपको यही मशवरा देंगे कि रात की तारीकी में वार करने से बेहतर है कि आप बॉर्डर पे घुंघरू पहन के नाच लें और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत किस तरह के ओछे हथकंडे आजमा रहा है। और मोदी सरकार से यही कहना चाहूंगी कि बजाय इन ओछे हथकंडों को आजमाने के आप काम करें। और इंडिया वालों को भी पता चल गया है, इंडिया की आवाम को भी पता चल गया है कि मोदी सरकार उनकी खैरखा नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन उनका अपना वजीर आजम है। और आप लोग